कॉन्फ्रेंस भदरवा में पार्टी के कारकुनान के बीच और पार्टी तर्जुमान के बीच डाक बंगले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी शेख मोहम्मद शफी के साथ 300 कारकुनान ने हिस्सा लिया। मीटिंग में शेख मोहम्मद ने रियासत की इत्तेहादी हुकूमत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भदरवा में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर कारकुनान से भदरवा के दूर दराज इलाकों में हो रहे कामों का फीडबैक लिया गया। लोगों को बुनियादी सहूलियात तक मुहैया नहीं हो पा रही है। लोगों ने बताया कि सड़क, मेडिकल, तालीम के निजाम और अवामी तकसीम के निजाम भदरवा और भलेसा इलाके में बदतर हालत में है। मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी, पार्टी कारकुनान और तर्जुमान एडीसी भदरवा के दफ्तर गए। भदरवा और भलेसा इलाके के लोगों के लिए जरूरी सहूलियात मुहैया कराने के लिए एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो और इनको कुछ स्टेट और नेशनल लेवल के जो फेलियर है दोनों गवर्नमेंट्स के उनके बारे में इनको बताना, और हमारा जो ये इलाका बिल्कुल ध्यान जो है पसमांदा छूट गया है, तो इनकी जो डिमांड्स वो सुनना। यहाँ स्टाफ की कमी है स्कूलों में, अस्पतालों में, रोड की जो एक्सीडेंट्स हुए उसके बारे में कोई वेली वर्स नहीं है। हॉर्टिकल्चर का जो नुकसान होता है, एग्रीकल्चर का नुकसान होता है, बीज नहीं मिलते, खाद नहीं मिलती, इस सब के बारे में हमने सब लोगों को बुलाया और इनसे थोड़ी एक इंट्रोडक्टरी बात हुई और हमने एक मेमोरेंडम बनाया है जो हम एडिशनल डीसी भदरवा साहब को देने जा रहे हैं ताकि वो गवर्नमेंट को एडवांस आगाह कर लें, नहीं तो हम लार्ज स्केल पे एक एजुकेशन शुरू करने वाले हैं भदरवा में।